नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आर के स्टूडियो को लेकर करीना कपूर का छलका दर्द, बोली करिश्मा और रणबीर भी इसी का हिस्सा है। आर के स्टूडियो को लेकर अब करीना कपूर ने अपनी बात को रखा है। करीना का मानना है कि उनके परिवार के बैनर आर के स्टूडियो की विरासत भूमि के एक टुकड़े तक ही सीमित नहीं है। करीना ने कहा, करिश्मा, रणबीर कपूर और वो अपने काम के जरिए आर के स्टूडियो की विरासत को आगे लेकर आए। गौरतलब है कि हाल ही में आर के स्टूडियो को एक रियलिटी फर्म ने खरीदने का ऐलान किया है। इसके बारे में पूछे जाने पर करीना ने रिपोर्टर से कहा, आर के की विरासत को करिश्मा और मेरे जैसे परिवार की लड़कियां काफी आगे तक ले जा चुकी हैं और अब रणबीर कपूर इसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे काम और मेहनत से ये विरासत काफी आगे पहुँच चुकी है। उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी इसे और आगे तक लेकर जाएंगे। गौरतलब है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन निर्देशक ने हाल ही में कंपनी से स्टूडियो वाली जगह पर इसके संस्थापक राज कपूर के नाम पर राज कपूर संग्रहालय बनाने की बात कही थी। राज कपूर ने 1948 में स्टूडियो की नींव रखी थी। कई दशक तक इसके बैनर तले कई फिल्मों का डायरेक्शन किया गया। बता दें कि राज कपूर ने 71 साल पहले पाई पाई जोड़कर आर के स्टूडियो बनवाया था। इसके लिए उन्हें कर्ज तक लेना पड़ गया था। ये स्टूडियो कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का गवाह बना और अब आर के स्टूडियो को रियलिटी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टी ने खरीदने की अनाउंसमेंट की है। बता दें कि कंपनी इस जमीन पर लग्जरी फ्लैट बनाएगी। कंपनी ने सौदे की राशि की जानकारी हालांकि नहीं दी है। बता दें कि आर के स्टूडियो अब इतिहास बनने के लिए तैयार है। 71 साल पुराने ऐतिहासिक आर के स्टूडियो को कपूर फैमिली ने मिलकर बेचने का फैसला लिया है। लंबे समय से स्टूडियो में ज्यादा काम नहीं हो रहा था। साथ ही पिछले साल 16 सितंबर को स्टूडियो में भयंकर आग लग गई थी। इसके बाद से तो स्टूडियो को फिल्म मेकर्स ने लेना बंद कर दिया। भले ही आर के स्टूडियो अब बिक चुका हो, लेकिन कपूर परिवार के लिए आर के स्टूडियो हमेशा उनके करीब रहेगा। और इसी बीच करीना ने भी आर के स्टूडियो को लेकर इमोशनल होते हुए अपने दिल की बात रखी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।